Hello guys, today we are back with the new English vocabulary, and in our today's English vocabulary our first word is rattle. Rattle hota to make a noise like hard things hitting each other or to shake something so that it makes this noise. Hard things laga lo, jaise aapko sentence clear hoga, the windows were rattling all the night in the wind. Jaise rattling hoti khadkhadahat. खड़खड़ाना किसी चीज़ का. तो जब लाइक सेंटेंस हमारा ये कह रहा है कि सारी रात भर क्या होता रहा कि विंडोज़ खुली रह गई और उस वजह से क्या है, हवा की वजह से विंडोज़ रैटल करती रही रात भर, खड़खड़ाती रही, शोर करती रही. द अदर वन वर्ड देर इज दैट इज स्लंप, जो कि होता है यूज्ड अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी प्राइजेस एक्सेट्रा टू फॉल सडनली एंड बाय अ लार्ज अमाउंट. इसका मतलब ये होता है कि एकदम से किसी भी उस चीज़ में गिरावट आ जाना ड्यू टू किसी, मतलब लगा लो अब कोविड आएगा, मान लो वैसे तो ना ही आए तो ज़्यादा बेटर है, बट जैसे ही कोविड आता है सारी मार्केट्स हिल जाती हैं. ठीक है, उनमें क्या आ जाता है, फिर स्लम्प आ जाता है. ठीक है, जो मंदी जिसको हम बोल सकते हैं एक लैंग्वेज में हिंदी में, तो वो मंदी को हम स्लंप बोलते हैं. अ स्लंप इन ग्रेन प्राइसेस कंबाइंड विद बिग इंक्रीजेस इन द प्राइसेस ऑफ लग्जरी आइटम्स बट पुट प्रेशर ऑन द लाइफस्टाइल ऑफ द फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी. जो फ्यूडल होते हैं वो क्या होता है, सामंतवाद. सामंतवाद क्या होते हैं, जो जागीरदार जमींदार होते हैं, जिन्होंने क्या किया होता है, जिनकी ज़मीनें होती हैं और वो लेबर लगाते हैं और फिर वहाँ से पैसा बनाते हैं, कि लाइक लेबर को लेबर उतनी नहीं देते जितने वो डिज़र्व करते हैं और काम उससे दुगना लेते हैं, तो वो हो गए ज़मींदार, फ्यूडल. तो उसके बाद अरिस्टोक्रेसी होता है कि जो एक वर्ग होता है, अभिजात वर्ग जिसको हम कह सकते हैं. ठीक है, तो ये जो बड़े लोगों का अरिस्टोक्रेसी होती है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो उच्च परिवारों से, उच्च वर्ग के लोगों से संबंध रखते हैं. एक तो ग्रेन के दाम कम हो गए, ग्रेन के दाम कम होने से अब जो उन्होंने देनी थी, जो मेहनत मजदूरी देनी थी लोगों की, वो तो पैसे पे कर दिए, पर खुद का जो ग्रेन उन्होंने सोचा था 10 रुपये किलो बिकेगा, वो खुद सरकार ने कह दिया जी आज 5 रुपये किलो बिकेगा, तो फिर क्या हो गया, वो स्लंप आ गया. एक तो ये चीज़ हो गई, साथ में जो उन्होंने कहा कि ये जो डीजल पेट्रोल और कार्स एक्सेट्रा हैं उनके प्राइसेस बढ़ा दो, अगर 1 लाख की गाड़ी है 1,25,000 की कर दो. अब इन दोनों चीज़ों में उस फ्यूडल अरिस्टोक्रेट जो होगा बंदा, उसका तो नुकसान हो गया. तो ये कह रहा है कि इस वजह से जो स्लंप हुआ है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है फ्यूडल अरिस्टोक्रेसी के लाइफस्टाइल को प्रेशराइज कर दिया है. और इसी तरह से अभी नेटफ्लिक्स के लिए एक न्यूज़ आई है कि स्लंप कर दिया, जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें स्लंप, वो उनमें काफ़ी ज़्यादा स्लंप देखने को मिला है, बहुत गिरावट आ गई है, जिस वजह से उनके शेयर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं. लास्ट जो उनका क्वार्टर है वो 2 मिलियन यानी कि 20 लाख सब्सक्राइबर कम हुए थे. इस वजह से क्या है, अब रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हैं नेटफ्लिक्स की पासवर्ड शेयरिंग पे, और कुछ नए जो प्लान होंगे अपने वो लॉन्च करेगा, और इसी के साथ ताकि चीप प्लान लॉन्च करेगा, मतलब कम रेट में कंटेंट दिखाएगा ताकि वो अपने सब्सक्राइबर्स को गेन कर सके. ठीक है, एंड द अदर वन वर्ड दैट देर इज रिटेन. रिटेन होता है टू कीप और कंटिन्यू टू हैव समथिंग नॉट टू लूज. अब कोविड आ रहा है, उस वजह से क्या है, काफ़ी लोगों ने रिटेन करना है. क्या रिटेन करना है, मास्क. इसलिए रिटेन होता है टू कीप और कंटिन्यू टू हैव समथिंग नॉट टू लूज, लाइक किसी चीज़ को बनाए रखना, उसको जो मतलब वो चीज़ है उसको ख़त्म ना करना, तोड़ना नहीं. ठीक है, कैनेडा रिटेन मास्क मैंडेट फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट. जो कनाडा है उसने क्या किया है कि
अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, जैसे रेलवे स्टेशन हो गए, बस स्टैंड हो गए या एयरलाइंस हो गए, तो उन पे उसने मास्क को मैंडेटरी कर दिया है। मैंडेटरी यानी कि अति आवश्यक कर दिया है, उसके बिना आप फ्लाइट में से भी नहीं उतर सकते हैं। ऐसा कनाडा ने, जो कनाडा गवर्नमेंट है, उसने अनाउंस करा है हाल ही में। एंड द अदर वन वर्ड दैट इज़ फोर्थ वन वर्ड दैट इज़ एक्सपेल करना। एक्सपेल होता है टू फोर्स समबडी टू लीव अ कंट्री, स्कूल, क्लब एक्सेट्रा, मतलब मजबूर कर देना कि भाई अब तो निकल, चाहे कंट्री से या किसी क्लब से या स्कूल से। अब हाल ही में रशिया को जो है एक्सपेल कर दिया गया फीफा से, जो फुटबॉल का होता है, क्यों कर दिया गया, क्योंकि वॉर की वजह से उसको एक्सपेल कर दिया गया कि छोड़ दे। और एक्सपेल जो होता है वो परमानेंटली होता है, ये ध्यान रखना, एक्सपेल जो होता है वो परमानेंटली होता है, फिर उसे मेंबरशिप नहीं मिल सकती। जैसे अब फीफा वर्ल्ड कप है, रशिया अब कभी भी फीफा वर्ल्ड कप खेल ही नहीं सकता, उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता, रशिया की टीम जो है वहाँ जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, क्योंकि उसे एक्सपेल कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट वॉज ऑल्सो मेड टू एक्सपेल हिम फ्रॉम द यूनियन लीग क्लब ऑफ न्यूयॉर्क। ठीक है, तो एक कई बार होते हैं जेलस लोग कि किसी के पीछे ही पड़ जाते हैं, तो लोगों ने अटेम्प्ट करना चाहा कि उसको यूनियन लीग क्लब ऑफ न्यूयॉर्क से निकाल दिया जाए, बट एक वो अनसक्सेसफुल रहा वो उनका जो कोर्स है। अब देखो द अदर वन वर्ड दैट इज़ फिफ्थ वन वर्ड दैट इज़ सस्पेंडेड। सस्पेंड होता है टू स्टॉप और डिले समथिंग फॉर अ टाइम, किसी चीज़ को या तो रोक देना या उसे देर कर देना फॉर अ टाइम, कुछ देर के लिए। अब ये टाइम कितना है ये नहीं पता, लेकिन कुछ देर के लिए। अब ये ज़रूर पता है कि ये चीज़ दोबारा शुरू होगी, पर कब शुरू होगी सस्पेंडेड का ये पता ही नहीं है। कि जैसे सम रेल सर्विसेज वर सस्पेंडेड ड्यूरिंग द स्ट्राइक, स्ट्राइक के दौरान कुछ जो रेल सर्विसेज हैं वो बंद कर दी गई, स्थगित कर दी गई। अब आप बोलोगे एक्सपेल का तो समझ में आ गया कि हमें लाइक परमानेंटली हो गया, सस्पेंड का समझ में आया कि कुछ देर के लिए हो गया, फिर से शुरू हो जाएगा। ठीक है, और एडजर्न भी जो पीछे करा था हमने एक वीडियो में, तो उसमें एडजर्न और सस्पेंड में क्या डिफरेंस है। अब ये देखो, एडजर्न में आपको बताया जाएगा, पोस्टपोन होगा, बताया जाएगा कि इतनी देर के लिए पोस्टपोन हो रहा है, समझ रहे हो बात को। अगर कोर्ट एडजर्न की जाती है, पार्लियामेंट में अगर कोई बहस को, कंट्रोवर्सी को अगर एडजर्न किया जाता है, तो उसका टाइम होता है कि 2 घंटे बाद या 2 दिन बाद या 2 हफ्ते बाद या महीनों बाद इस बात पे चर्चा होगी। बट सस्पेंड पे पता नहीं होता कि कब वो चीज़ दोबारा शुरू हो। ठीक है, इसलिए सम रेल सर्विसेज वर सस्पेंडेड ड्यूरिंग द स्ट्राइक। अब स्ट्राइक कितनी लंबी चलेगी ये कोई नहीं जानता, इसलिए जो है रेल सर्विसेज जो है स्ट्राइक कर दी गई। अब अदर वन वर्ड दैट इज़ अ ट्रेंडी वर्ड दैट इज सिक्स्थ वन दैट इज चिलैक्स। चिलैक्स होता है चिल प्लस रिलैक्स से बना है ये चिलैक्स। चिलैक्स होता है काम डाउन एंड रिलैक्स। ठीक है, काम डाउन एंड रिलैक्स। व्हेन आई गेट मैड आई टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड से टू माई सेल्फ चिलैक्स एंड इट वर्क्स मोस्ट ऑफ द टाइम। कि जब मतलब मेरा दिमाग घूम जाता है, लोग बोलते हैं ना कि मैं दिमाग घूम गया, गर्म हुआ पड़ा दिमाग, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो कह रहा है कि जब मेरा दिमाग ऐसा होता है मैं पागल सा फील करता हूँ, मैं कुछ डीप ब्रीथ्स लेता हूँ और अपने आप को कहता हूँ चिलैक्स चिलैक्स, काम डाउन एंड रिलैक्स, मतलब शांत हो जा, और कुछ नहीं हुआ है, रिलैक्स हो जा, एंड इट वर्क्स मोस्ट ऑफ द टाइम। और ऐसा करता हूँ तो कई बार ये बहुत टाइम बाद ये वर्क कर जाता है। तो चलिए गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ गाइज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेवर मिस एन अपडेट। थैंक यू।